अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप सब लोग आई होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग गुड एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आइडियाज़ बाय स आज मैं आपको कुछ आ, अपनी कलेक्शन दिखाऊंगी पर्सनल हाइजीन आप सब लोगों को जैसे जानती ही हैं कि कितनी ज़्यादा ज़रूरी होती है हम सब के लिए आ, चाहे वो मेल हो फीमेल हो एवरीबडी वॉन्ट्स टू लुक यू नो यूरोगरेंटेड सब चाहते हैं कि आ, आपके अच्छी से अच्छी फ्रेगरेंस इस्तेमाल करें आपसे अच्छी से अच्छी फ्रेगरेंस आए तो आज मैं आपको बताऊँगी कि मेरी जो कल... है वो बहुत ज़्यादा हाई फाई तो नहीं है बट ये कि मेरा काम हो जाता है और सबसे ज्यादा अप, सब अपनी ज्यादा अब सबसे ज्यादा अपनी सेटिस्फेक्शन होनी बहुत जरूरी है चाहे आप कोई महंगी चीज़ ले रहे हो कोई सस्ती चीज़ ले रहे हो आपकी सेटिस्फेक्शन होना बहुत ज़्यादा जरूरी है ये देखिए ये मैंने लिया था गुच्छी फ्लोरा लिया नहीं था एक्चुअली मैंने मंगवाया है ये ओरिजिनल है फ्रॉम दुबई और इसकी फ्रेगरेंस जो है क्योंकि मुझे थोड़ी सी लाइट फ्रेगरेंस पसंद हैं थोड़ा सा यू नो थोड़े से जाना चाहिए कि मुझे फ्लोरल और लाइट फ्रेगरेंसिस पसंद है तो मैं प्रेफर करती हूँ कि बहुत ज़्यादा पंजट नहीं लूँ वरना फिर वो थोड़ा सा मसला हो जाता है उसका ये देखिए औरिजनल और दूसरा जो है ये है मोन्ट ब्लैंक का है ये मुझे किसी ने गिफ्ट किया था कतर से लाके ये भी ओरिजिनल है और इसकी फ्रेग्रेंस भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है ऑब्वियसली ओबियसली आप, आपकी पर्सनालिटी को चाचा लग जाते हैं अगर आप अच्छी फ्रेग्रेंस यूज़ करते हैं एंड इट यू नो लीव्स अ लास्ट इंप्रेशन ऑन अदर्स एज वेल चाहे आप मेल हो फीमेल हो फीमेल को जैसे मना किया जाता है बहुत ज़्यादा पंजन नहीं लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए तो चलें कोई ना कोई तो हकीकत होगी इन चीज़ों में रात के टाइम नहीं लगाना चाहिए बड़े भी कुछ लोग अगर बड़े कुछ कहते हैं तो वो आ, कभी कभी ऐसा होता है हमारे लिए अच्छा होता है करने के लिए और ये वाला देखिए ये मैंने लिया था आई थिंक ये मुझे किसी ने गिफ्ट किया था या मैंने लिया था मुझे याद नहीं है इसका नाम है वेलरी ये ख़त्म हो गया है मैं मुझे शौक है थोड़ा सा इसका कलेक्ट करने का तो मैं कम कभी जिस तरह से पैसे होते हैं उस हिसाब से ले लेती हूँ नहीं भी लेती हूँ कभी कम में कम वाला भी ले लेती ले ले हूँ ज़्यादा वाला भी ले लेती हूँ डिपेंड्स ऑन माई मूड एंड ऑन माई रिक्वायरमेंट इन द बजट एज वेल ये देखिए ब्लॉसम का है ये बहुत ही ज़बरदस्त है अच्छी है इसकी फ्रेग्रेंस बहुत ज़्यादा अच्छी है और फ्लोरल टाइप का है ये और मैं डिफरेंट लगाती हूँ जैसे जाने मेरी रोज़ाना ऑफिस जाना होता है आपको जैसे पता है ये सिट्रीन है ये मैंने डॉट का ये बहुत ही पुराना परफ्यूम है ये बहुत फेवरेट परफ्यूम है अब इसकी कीमत पहले तो जब हम लिया करते थे ये फोर फिफ़्टी फोर हंड्रेड का होता था अब ऑलमोस्ट सेवन टू एट हंड्रेड इसकी कीमत हो गई है इसके डिफरेंट फ्लेवर्स होते हैं लेकिन मुझे जो है वो यही पसंद आता है तो मैं ज़्यादातर यही लेती हूँ अच्छा मेरा थोड़ा सा ये है कि मैं डिफरेंट फ्रेग्रेंसेज में एक ही फ्रेगरेंस सालों तक या सारी ज़िंदगी यूज़ नहीं कर सकती मैं डिफरेंट चीज़ें यूज़ करती रहती हूँ चाहे वो मेकअप हो चाहे वो परफ्यूम्स हो चाहे वो कपड़े हो जूते हो कुछ भी हो ठीक है मैं जो जैसे लोग सारी ज़िंदगी एक ही परफ्यूम यूज़ करते हैं तो आई एम नॉट इन फेवर मैं चाहती हूँ कि मैं डिफरेंट चीज़ें यूज़ करूँ ट्राई करूँ कोई बत्ती अगर नहीं होता तो एक एक्सपीरियंस तो हो जाता है इंसान को ये खाडी का परफ्यूम है ये तकरीबन मैंने लिया था नाइन या थाउजेंड का लिया था सेल से ज़्यादातर लेती हूँ चीज़ें मैं और बुनैजा सतरंगी की बहुत ज़्यादा फ्रेगरेंसेज अच्छी होती हैं थोड़ा सा लगता है सेम ही है मोरलेस अब तो हर ब्रांड ने आ, निकाल ली है सबकी अपनी अपनी फ्रेगरेंसेज रेंज आ गई हैं ये देखिए ये ला क्लासिक ये मैंने ले क्लासिक ये मैंने लिया था चेस से लिया था मैंने दो अब तो ऑलमोस्ट फोर टू फाइव हंड्रेड के हो गए ये सारे के सारे पहले तो कम में मिल जाया करते थे लेकिन अब जो है वो ऑलमोस्ट फोर टू फाइव हंड्रेड में ये मिला और है और बहुत ज़बरदस्त इसकी फ्रेगरेंस है मैं प्रेफ़र करती हूँ कि मुझे फ्रेगरेंस अच्छी लगनी चाहिए चाहे वो थोड़ा सा ज़्यादा ही महंगा क्यों ना हो लेकिन फ्रेगरेंस जो है वो ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए ये देखिए इसका नाम है रोमांटिक ये भी बहुत अच्छा है ये ऑलमोस्ट मैंने लिया था फाइव या सिक्स हंड्रेड का लिया था ए, से कैरेफोर से लिया था तो मुझे बहुत पसंद आया था ये और आई थिंक फ्रेगरेंसिज़स भी जो है आपको जहाँ आप जा रहे हैं उस हिसाब से लगाने चाहिए आइदर आप शादी में जाएँ कहीं गैदरिंग में जाएँ डिनर में जाएँ बर्थडे में जाएँ ये किलर ऊद है ये अच्छा है इसकी फ्रेगरेंसिस अच्छी है थोड़ी सी शार्प है पंजेंट है लेकिन ये कि अच्छी बॉडी रोल है बॉडी रोल आपको फॉर ऑलमोस्ट फोर टू फाइव हंड्रेड में मिल जाते हैं ये ये ज़रूर आप लीजिए और आफ्टर यू नो बात ये लगाने के लिए होते हैं बॉडी वॉश में यूज़ करती हूँ ज़्यादातर लक्स का लेती हूँ क्योंकि वो रिजनेबल भी होता है और सही भी होता है मिलियन योर रोल ऑन डिओड्रेंट यार्डले के आपको पता है यार्डले ये यार्डले की जो ऑल सारी जो फ्रेग्रेंसीज़ होती हैं वो बहुत ही अच्छी हैं चाहे वो यार्डले का लोशन हो चाहे वो इस तरह के यू नो रोल ऑन वगैरह हो परफ्यूम्स हो इज़ यू नो एक अच्छा नाम है ब्रांड है मार्केट में बहुत अच्छा नाम है तो ये काफ़ी चलता भी है और लोग इसको पसंद भी करते हैं ये मेरा बॉडी वॉश का टी टी फेस वॉश है यहाँ पे ये जो मैं यूज़ करती हूँ मेरे थोड़ा सा एक्नी का प्रॉब्लम है तो मैंने काफ़ी टाइम से मैं यूज़ कर रही हूँ एक दूसरे एक और भी है जिसका मैं साथ साथ में यूज़ करती हूँ क्योंकि ऑब्वियसली इनकी जो चीज़ें होती हैं वो बहुत महंगी होती हैं बॉडी शॉप वालों की लेकिन ये मेरे एक्नी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा मेरे सूट किया है ये, और ये सेल से मैंने लिया था आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन हो क्यूरी हो आप लोग ज़रूर मुझे बताएं और मैं आपको गाइड करूँगी थैंक यू सो मच वेलकम टू माई चैनल